बॉलीवुड की कंट्रोवर्शी क्वीन कंगना रनौत रिसेंटली विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आए, इतना नहीं कांग्रेस पर वार पलटवार करते हुए अपने ओपोजिट खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की निजी जिंदगी पर हमला बोलते नजर आए। उनके लिए ये कहा उन्होंने कि उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, और तो और उनकी माँ के खिलाफ भी उन्होंने चेतावनी भरे लहजे के साथ वाले शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें जलील करने का प्रयास किया, जिससे करणी सेना के कुछ लोग काफी नाराज हुए और उन्होंने दी है कंगना रनौत को हिदायत कि वो कर रही हैं गलतियां। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े ही शांति के साथ रहते हैं और नकली घोड़े की सवारी कर रही हैं कंगना, ये कह रहे हैं सभी। फिल्मों में थी तब तक सही था, याद दिलाते नजर आए करणी सेना के लोग, खासतौर पर कंगना को, कि कैसे मुंबई में आदित्य ठाकरे उनके खिलाफ थे, शिवसेना उनके खिलाफ थी और उन्हें मिल रही थी धमकियां, तब उन्हें सुरक्षा देने के लिए करणी सेना के लोग कैसे उनके साथ खड़े थे और ठाकरे के खिलाफ उनके पक्ष में उतर आए थे, शायद वो भूल गई हैं। हमें एहसास था उस वक्त कि कंगना एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन अब कंगना के ये तेवर यकीनन हमें हैरान कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ गलत कदम उठाने पर वो मजबूर कर सकती हैं। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्ट की रिपोर्ट।